नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे तरफ़ से आप सारे लोगों को तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो तीज स्पेशल वीडियो है। और आज मेरे पार्लर का माहौल बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अलग माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आज मेरे पार्लर का माहौल बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट माहौल है। मेरे पार्लर पे आज तीज की मेहंदी का रंग चढ़ा हुआ है और ये हमारे प्यारे से क्लाइंट्स हैं, आप इनसे मिलिए। और ये हैं हमारे स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हैं, सारे बिगनर्स हैं अभी। लेकिन तीज के अवसर पर हम कंपटीशन रखे हुए हैं, मेहंदी कंपटीशन, तो उसमें सारे के सारे पार्टिसिपेट किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं वो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। जो भी उनके पास टैलेंट है मेहंदी आर्ट को लेके, वो अब आपके सामने रखेंगे। तो अभी उनको ऑल द बेस्ट और बहुत कामनाओं के साथ कि वो सारे के सारे अपने कला को दिखाएं और आप लोग उनकी कला को पसंद करें, उनकी डिज़ाइन को पसंद करें और आप लोग पूरा का पूरा उनको सपोर्ट करें। तो ऑल द बेस्ट। और देखिए मेहंदी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो मेहंदी लगाने से पहले हाथ पे अच्छी तरह से वैसलीन लगा रहे हैं, ताकि जब वो मेहंदी अप्लाई करेंगे तो फिर अच्छी तरह से वो मूव करेगा और डिज़ाइन अच्छी तरह से क्रिएट हो पाएगा। तो सारा चीज़ बहुत अच्छे से प्रोसेस से कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और डिज़ाइन को भी अच्छे से देखिएगा। और कौन प्रतियोगी है, जो विजेता बनने के योग्य है, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ आप लोग डिज़ाइन को और इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो आइए प्रतियोगी से आप लोगों को हम मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम मिला रहे हैं आप लोगों को, जो कि हैं शीतल पासवान। इनका नंबर है 1। तो आपको अगर इनकी डिज़ाइन पसंद आती है तो आप लोग शीतल नंबर 1 पर कॉमेंट कीजिएगा। और ये हैं सगुन, और इनका नंबर है 10। और आपको अगर इनकी डिज़ाइन पसंद आती है तो इन पे कमेंट कीजिएगा। ये हैं अंशिका का नंबर है 8, उस पे कमेंट कीजिएगा। और ये हैं प्रियंका का नंबर है 6। और ये हैं खुशबू का नंबर है 4। और ये हैं रूबी का नंबर है 2। और उनके बाद आ जाती हैं प्रिया, तो प्रिया का नंबर है 3। और उसके बाद हैं पारुल, तो पारुल का नंबर है 5। अगर आपको इनकी डिज़ाइन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये हैं खुशबू का नंबर है 9। और ये हैं शांति का नंबर है 11। तो प्लीज़ आप लोग इन सारे प्रतियोगी के डिज़ाइन को अच्छे से वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब कमेंट कीजिएगा तो आप नाम को ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको किसकी डिज़ाइन बहुत पसंद आई, तो आपके वोट पे ही इनकी विजय होगी। तो अभी देखिए स्टार्ट हो चुकी है मेहंदी। क्या की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बारीकी से इन्होंने शुरू किया है। और सगुन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे हैं शीतल, देखिए कितना अच्छा वर्क करते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रही हैं और बारीकी भी है इनके वर्क में। और सगुन भी अच्छे से वर्क कर रही हैं और फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे डिज़ाइन बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं अंशिका, और सारा वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंट और एकदम अलग डिज़ाइन क्रिएट किया है प्रियंका ने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रोज़ बना हुआ है और एक बेल की तरह से रोज़ बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। और खुशबू को भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर रही हैं और बहुत ही बारीकी के साथ कर रही हैं। और ये हैं रूबी, इनका भी वर्क काफ़ी अच्छा है, अभी बिगनर्स हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट की हैं और वर्क भी अच्छा कर रही हैं। और ये प्रिया को देख सकते हैं, प्रिया ने भी स्टार्ट कर लिया है, आगे बढ़ रही हैं। ये पारुल, ये काफ़ी फास्ट वर्क कर रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं, सारी डिज़ाइन आपके सामने है। और ये हैं खुशबू, देखिए
बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और स्पीड से भी कर रही हैं, और शांति शांति का वर्क भी बहुत अच्छा है और बहुत फिनिशिंग के साथ कर रही हैं, और स्पीड भी अच्छी है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा, पूरा ब्राइडल का डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया है और अच्छा वर्क कर रहे हैं, और सारे के सारे लगे हुए हैं अपने वर्क में। और एक इनको टाइम लिमिट दिया गया है, उस टाइम लिमिट में ये सारे डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए जाएंगे और उस टाइम लिमिट में अपना वर्क कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो जो सबसे पहले वर्क अपना कंप्लीट करेगा, मेहंदी आर्ट कंप्लीट करेगा और डिज़ाइन अच्छी लगेगी सबको। देखिए कितना खूबसूरत शीतल की डिज़ाइन आ रही है, तो आप देख सकते हैं और अपना राय दे सकते हैं कि किसकी डिज़ाइन आपको पसंद आई। धीरे धीरे जितने भी डिज़ाइन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सारा का सारा आप लोगों के सामने रख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सारे के सारे पूरे लगन से पूरी मेहनत के साथ अपना वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, ये सारे स्टूडेंट लोगों को बच्चे हैं और मेहनत भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो इनकी मेहनत आपको दिखाई देगी, और उसके बाद से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप, साड़ी ड्रेपिंग, मेहंदी आर्ट और तरह तरह के हेयर कटिंग भी लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई कमेंट हो, कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कौन सी हेयर कटिंग चाहते हैं, कौन सा मेकअप लुक चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो वीडियो हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हुआ है, लगभग इन्होंने कंप्लीट कर लिया, हाफ हो चुका है इनका वर्क। और ये देखिए सारा रोज़ का बेल बनाते हुए कैसे आगे बढ़ते हुए जा रही हैं प्रियंका, काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और ये खुशबू का आर्ट भी बहुत अच्छा है और वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। और सबसे पहले देखिए पारुल, उनका वर्क कंप्लीट हो गया, एक हाथ का मेहंदी उनकी कंप्लीट हो चुकी, खुशबू का भी एक हाथ का मेहंदी कंप्लीट हो चुका, आप देख सकते हैं। और ये प्रिया भी एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट कर चुकी, काफ़ी फास्ट वर्क कर रही हैं। शांति अभी थोड़ा सा पीछे हैं, उनका थोड़ा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस कंप्लीट करने वाली हैं। और यहाँ शगुन भी लगभग कंप्लीट करने वाली हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और यहाँ शीतल देखिए कि एक हाथ का पूरा कर चुकी हैं फ्रंट पे, फिर बैक साइड भी लगा रही हैं, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं सारे के सारे, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अंशिका का भी पूरा हो गया, प्रियंका का भी एक हैंड पूरा हो चुका है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं पूरा गुलाब का रोज़ गुलाब का वेल बना हुआ है। और यहाँ खुशबू की डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुकी है, वो दूसरे हाथ में लगाना शुरू कर चुकी हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। और बैक साइड की डिज़ाइन पारुल की शुरू हो चुकी है, और शांति का भी कंप्लीट हो गया हैंड उनका फर्स्ट, और अब वो बैक साइड से डिज़ाइन शुरू करेंगे। और यहाँ पे देखिए कि शीतल दूसरे हैंड पे वर्क करना शुरू कर दी हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन आ रही है। और देखिए शगुन का भी कंप्लीट हो गया एक हाथ का, और अंशिका भी दूसरे हाथ पे वर्क शुरू कर चुकी हैं, तो एक टाइम लिमिट के अंदर ही सारा वर्क इनको कंप्लीट करना है। और बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे से वर्क करते हुए और स्पीड से वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारी डिज़ाइन आपके सामने है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि प्रिया ने एक हाथ को कंप्लीट कर लिया है, डिज़ाइन इनकी काफ़ी खूबसूरत है, और सेकंड पे वर्क करना शुरू करेंगी। और ये शीतल का वर्क आगे बढ़ रहा है, और अंशिका का भी वर्क आगे बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं। खुशबू भी बहुत अच्छा वर्क करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही हैं। सारे लोग एक एक हाथ को कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे हाथ पे वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारे स्टूडेंट तो अपना वर्क कर रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं उनको नंबर, सीरियल नंबर है जो कि उनके नाम के आगे रहेगा, और कितने मेंबर्स हैं, और 1 2 3 4 करके इस तरह से हम लोग सीरियल नंबर दे रहे हैं। लेकिन
किसके लक में कौन सा नंबर है वो बाद में पता चलेगा। अभी देखिए नन्ही सी गुड़ियाँ हैं, वो अपने प्यारे हाथों से सबको उनका नंबर दे रही हैं और बहुत अच्छे से दे रही हैं, और सारे लोग उसको ले रहे हैं। फिर उसे चेक करेंगे कि किसका नंबर क्या आया है और वो नोट होगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिसका भी नाम होगा उसके नाम के आगे नंबर ज़रूर ऐड कीजिएगा, और नंबर ऐड करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उनका डिज़ाइन आपको कैसा लगा और क्या वो विजेता बनने के योग्य हैं या नहीं है। तो आपके कमेंट से मुझे बहुत हेल्प होगी। तो आप देख ही सकते हैं कि सारे बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को, और उनकी मेहनत को ज़रूर ही थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपके नज़र में किसकी डिज़ाइन बेस्ट है और किसको इस कंपटीशन का विजेता बनाना चाहिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा विजेता को चूज़ करना, और उनकी क्वालिटी को भी परखने में थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी कि आप लोगों की क्या राय है। तो देख सकते हैं सबसे पहले कंप्लीट की है पारुल, अब टाइम से आधा घंटा पहले इन्होंने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। तो ये हैं पारुल और इनका नंबर है 5। तो प्लीज़ आप लोग इनको वोट कीजिएगा और बताइएगा कि इनका डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पारुल का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो हाथ की मेहंदी कंप्लीट करने के बाद पारुल पैर में आलता लगा रही हैं। आलता लगाने के बाद फिर वो डिज़ाइन मेहंदी से लगाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से और कितना जल्दी इन्होंने वर्क को कंप्लीट किया है, और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट अभी कौन वर्क को कंप्लीट कर रहा है और कैसे करके आ रहा है। तो देखिए तो कौन है, अभी शीतल आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन इन्होंने कितना अच्छा क्रिएट किया है, और ये भी समय से पहले डिज़ाइन को क्रिएट की हैं, आधा घंटा पहले कर ली है। 3 घंटे का टाइम दिया गया था, 2.5 घंटे में इन्होंने वर्क को कंप्लीट किया है, और सेकंड नंबर पे इन्होंने वर्क को कंप्लीट किया है। अब डिज़ाइन आपके सामने है, आप अपना जजमेंट दे सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शीतल जिनका नंबर है 1, उन्होंने डिज़ाइन जो क्रिएट किया है वो आपको कैसा लगा, और वो विनर बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं। तो प्लीज़ आपके कमेंट का हम लोग वेट करेंगे, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हालांकि हमारे क्लाइंट बहुत हैप्पी हैं, उनको डिज़ाइन बहुत पसंद आई है, और वो आपसे अपील भी कर रही हैं कि आप शीतल को वोट कीजिए, लेकिन बैक साइड में बहुत शोर होने के कारण हम लोग उनकी आवाज़ को आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। पारुल और शीतल के बाद आ चुकी हैं प्रिया अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करके, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। डिज़ाइन आपके सामने है, ये है कि थोड़ा सा मेहंदी सूखने के बाद थोड़ी थोड़ी यहाँ वहाँ से झड़ गई है, लेकिन आपको डिज़ाइन क्लियर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। तो ये हैं प्रिया हैं, और इनका नंबर है 3, और इनकी डिज़ाइन अगर आपको पसंद आती है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन को क्रिएट किया है, सारा डिज़ाइन आपके सामने है। तो अगर आपको डिज़ाइन पसंद आती है तो आप इनके नाम पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को इनका डिज़ाइन। और ये शगुन है, इनका नंबर है 10, और इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से मेहंदी को लगाया है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये भी डिज़ाइन है। तो अगर इनकी डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शगुन 10 नंबर पर कॉमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इनका डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग कितना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और जब हैंड की मेहंदी को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो फिर पैरों में आलता भी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी सी डिज़ाइन भी क्रिएट कर रहे हैं। आलता लगाने के बाद पैरों में मेहंदी भी लगाएंगे, मेहंदी से भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, क्योंकि तीज है और तीज सुहाग का प्रतीक होता है, और सारी महिलाएं जो हैं व्रत भी करती हैं और मेहंदी आलता और 16 श्रृंगार करती हैं, और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। इसी तरह से इस तीज को मनाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह से हर वर्क को किया जा रहा है। सारे प्रतियोगी अपने अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, आलता लगा रहे हैं, और डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, और अपने
कंपटीशन को जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश में आप अच्छी तरह से सहयोग दीजिएगा। और ये देखिए कि खुशबू आ गई हैं, इनका डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्क की हैं। तो इनका नंबर है 9, खुशबू का नंबर है 9। तो आप लोगों को अगर खुशबू की डिज़ाइन पसंद आ रही है, उनका मेहंदी लगाने का तरीका अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन अच्छी है, तो आप लोग प्लीज़ खुशबू 9 पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि उन्होंने कैसा मेहंदी लगाया है। और इसके बाद से ये भी पैरों में आलता लगाएंगी और फिर पैरों में मेहंदी भी लगाएंगी और तीज के लिए अपने क्लाइंट को रेडी करेंगी। तो इसी तरह से एक एक करके सारे लोग देखिए किस तरह से आलता से डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं पैर पे। आप अपना जजमेंट ज़रूर दीजिएगा। और ये हैं प्रियंका, आ चुकी हैं अपने डिज़ाइन के साथ और देखिए कि डिज़ाइन कितना खूबसूरत लगा हुआ है। और आपको अगर इनकी डिज़ाइन पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका नंबर है 6। तो आप लोगों को अगर प्रियंका की डिज़ाइन पसंद आ रही है, उन्होंने अच्छा आर्ट किया है, तो प्लीज़ आप लोग उनको वोट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हालांकि हमारे क्लाइंट अपनी राय दे रहे हैं, उनको डिज़ाइन बहुत पसंद आई है, लेकिन हम उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उसमें आवाज़ एक साथ मिक्स हो गई है तो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए बैक के सारे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। उसके बाद से हम बैक साइड से वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और बच्चों का सपोर्ट कीजिएगा कि कितना अच्छी तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इन्हें और कितना मेहनत की ज़रूरत है और कैसा वर्क है इनका। और ये देखिए कि आ चुकी हैं खुशबू अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करके, और इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। और खुशबू का नंबर है 4 नंबर है खुशबू का। तो खुशबू नंबर 4, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो आप खुशबू को कमेंट करके बता सकते हैं कि खुशबू की डिज़ाइन हमें बहुत पसंद आई है और काफ़ी अच्छा उन्होंने लगाया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को खुशबू का डिज़ाइन। हालांकि वो खुद अपील कर रही हैं आप लोगों से, लेकिन उनकी आवाज़ हम आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सेम प्रॉब्लम है कि बैक साइड से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनकी अपील क्लियर नहीं आ रही है। तो ये देखिए आ चुकी हैं अंकिता, एकदम पूरे टाइम पे जो टाइम दिया गया था एकदम एक्यूरेट टाइम पर उन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो अगर इनकी डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खुशबू अंशिका की डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इनका नंबर है 8। तो अंशिका नंबर 8 पे आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि अंशिका की डिज़ाइन आपको कैसी लगी और आप उस डिज़ाइन को कितना पसंद कर रहे हैं। और डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद वो भी अपने क्लाइंट के पैरों में आलता लगाएंगी, डिज़ाइन क्रिएट करेंगी और फिर पैरों में भी मेहंदी अच्छी तरह से डिज़ाइन करेंगी। और ये देखिए शांति ने मेहंदी तो काफ़ी अच्छा लगाया है, कंप्लीट किया है, लेकिन थोड़ा टाइम से लेट हो गई हैं, थोड़ा सा लेट हुई हैं और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। हालांकि अभी उनका डिज़ाइन अधूरा है लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था इसलिए हमें दिखाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गई हैं। तो फिर भी आपको उनका डिज़ाइन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हैं रूबी, इनका नंबर है 2 और इनका डिज़ाइन आपके सामने आप देख सकते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया है, काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने। हालांकि ये अपने बारे में बता रही हैं कि इन्होंने कैसा वर्क किया है और आपको इनकी डिज़ाइन कैसी लगी, और वोट की अपील भी कर रही हैं कि आप रूबी 2 पे कमेंट करके बताइए कि आपको इनकी डिज़ाइन कैसी लगी। और ये हिंदी और बंगाली दोनों भाषा में आपसे अपील कर रही हैं, आपसे वोट मांग रही हैं, आप इन्हें वोट कीजिए, कमेंट कीजिए और सहयोग कीजिए पूरा।
और मेहंदी कंप्लीट करने के बाद ये भी अपने क्लाइंट के पैर में आलता लगाएंगी और डिज़ाइन को मेहंदी से डिज़ाइन को क्रिएट करेंगी। तो एक एक करके सारे लोग अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया है और सारा वर्क आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ आप लोग वोट ज़रूर कीजिएगा, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ अपना कीमती वक्त दीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके कमेंट से। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उन्होंने कैसा वर्क किया है, उनका वर्क आपका आपको कैसा लगा, तो एक सपोर्टिंग होगा आपके आप लोगों का कमेंट उनके लिए। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग तीज को अच्छी तरह से इंजॉय कीजिए और अच्छी तरह से उसको मनाइए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार एंड बाय बाय।